हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोबियस क्लासेस। लास्ट वन सेकेंड दो पार्ट में हम लोगों ने चैप्टर वन के बारे में पढ़ रहे थे, मैटर के बारे में, कि जो हमारे सराउंडिंग्स में जो मैटर हैं, उनके टाइप्स हैं, उनके जो स्टेट्स हैं, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और हम लोगों ने पांच स्टेट ऑफ मैटर यानी कि फाइव स्टेट ऑफ मैटर के बारे में भी जाना, ठीक है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना। रिसेंटली दो अलग मैटर मतलब जो डिस्कवर हुए थे, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, उनके बारे में ही जाना। कुछ बच्चों को उन दोनों टॉपिक में दिक्कत है तो उसको मैं आज क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और लास्ट मैंने ये भी बताया था कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कैसे उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं, यानी कि सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में, ठीक है। जैसे कि अगर हम समझे कि आइस को हम बोले थे कन्वर्ट हो जाता है कैसे में, लिक्विड में, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण कैसे ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात को समझना चाहें सीधी तरीके से, तो आज जो हमारा टॉपिक है उस दिन हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि प्रेशर के वजह से क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो वो आइए देखते हैं अपनी स्लाइड में। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है, यहाँ पे मेंशन है क्लियरली कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर यानी कि दबाव बढ़ने से क्या मैटर के स्टेट में कुछ चेंजेस आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सॉलिड की, ठीक है, तो सॉलिड में जनरली कोई चेंजेस होते नहीं हैं, कुछ एक्सेप्शंस में ले सकते हैं, कुछ सॉलिड्स जो होते हैं जनरली क्या करते हैं, चेंज करते हैं। लेकिन अगर ऐसे हम जनरली बात करें सॉलिड्स और लिक्विड्स में ये स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं होते, कहने का मतलब वो प्रेशर की वजह से चेंज में नहीं आते हैं, कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं कि नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम सॉलिड पर ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो चीज़ टूट जाता है, क्या हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरीके से बात करें, ठीक है, दूसरी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर हम प्रेशर लगाते हैं किसी भी किस पे, गैस पे, ठीक है, प्रेशर लगाएंगे किसी भी गैस पे, तो क्या होगा, उसका कन्वर्जन हो जाएगा लिक्विड में। कैसे लिक्विड में, आपको कैसे होगा मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन बस ध्यान ये रहना चाहिए कि जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हों तो उस समय हमारा टेम्परेचर हमेशा कम करते रहना चाहिए, कम करते रहना चाहिए, क्यों वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिलहाल अभी मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो जब भी चेंज होगा, तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर बढ़ने की वजह से भी वो क्या होता है, चेंज होता है, क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ जैसे हम लोगों ने जाना कि टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो उसमें चेंजेस आ रहा था, तो इसमें अगर हम क्या बोलते हैं, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो भी उसमें क्या होगा, कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। अब जैसे आपको एक एक चीज़ ये भी है, जैसे हम समझा दें कि गैस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक गैस की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे घर में मीथेन जो सिलेंडर गैस आता है, ठीक है, एलपीजी, उसकी बात करते हैं, उसको हम लोग गैस बोलते हैं कि एलपीजी सिलेंडर है। लेकिन अगर हम उसको जनरली अगर देखें कि उसके अंदर जो फ्लो होता है जनरली एक लिक्विड होता है। अब आखिर ये क्या, ये जो आपका, और उसको हम लोग सीएनजी भी बोलते हैं, ये सीएनजी एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है जो कि ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। ये एलपीजी जो है ये भी आपका क्या है, ये गैस है लेकिन लिक्विफाइड किया हो गया, क्या है ये, लिक्विफाइड। तो आखिर ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट कैसे हो रहा है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे एक हम यहाँ पे एक बीकर लेते हैं, या चेक ऐसा चीज़ लेते, देखती है फिगर यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमने बीकर लिए और यहाँ पे हम क्या किए, गैस के पार्टिकल्स को यहाँ पर रखें इस तरीके से, ठीक है। दूसरा कलर यहाँ पे ले ले रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। यहाँ पे एक पिस्टन लेते हैं, पिस्टन मतलब जो प्रेस करने में मदद करता है, ठीक है, इस तरीके का होता है ये पिस्टन, ये ऊपर से प्रेस होता है ये। जब ये पिस्टन इस पे लगाया जाएगा, पिस्टन को अंदर पुश किया जाएगा, तो गैस पार्टिकल्स जो होंगे ना, जो इतने दूर दूर में हैं, वो क्या होंगे, थोड़े क्लोजली आना शुरू करेंगे। तो जैसे ही हम इसको पिस्टन को प्रेस करेंगे, ठीक है, पिस्टन को पुश इन करेंगे अंदर में, मान लीजिए आपका ये सिलेंडर ही है तो पिस्टन को पुश करेंगे तो गैस पार्टिकल जो होगा वो धीरे धीरे अपने क्लोज आना शुरू करेगा। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जैसे हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो एक सर्टेन समय पे क्या करते हैं कि उसको कूल होने के लिए भी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि जब ये प्रेस होता है तो इसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं, आपको पता है सॉलिड में पार्टिकल्स हाईली कॉम्प्रेस्ड होता है, ठीक है, या हाईली होता है, क्या बोलते हैं, सॉरी कॉन्टेक्टेड होता है, मतलब कि बहुत क्लोज होता है। लिक्विड की बात करें तो कुछ डिस्टेंस में होता है और गैस की बात करें तो काफ़ी डिस्टेंस में ये होता है। तो यहाँ पे गैस से हमको बदल रहे हैं उसको लिक्विड में, तो इसका मतलब इसके पार्टिकल्स को और क्लोज ला रहे हैं। तो क्लोज लाने का मतलब क्या, जब हम इस पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो लाजमी यहाँ से हीट बहुत सारा निकलेगा, तो हीट निकले इसीलिए क्या करते हैं, उसको टेम्परेचर को उसको कूल करते हैं। अगर हम लोअर तो उसका टेम्परेचर को लोअर करें, क्योंकि अगर ज़्यादा हीट होगा तो कहीं वो ब्लास्ट ना हो जाए, ठीक है, ब्लास्ट ना हो जाए। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसको कंप्रेस करते समय उसके टेम्परेचर को हमेशा कूल करते रहना चाहिए, और अल्टरनेटली जैसे ही वो कूल हो जाए हल्का सा, फिर उसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे जो पार्टिकल्स होंगे, वो क्या होंगे, इस तरीके से आपके अरेंज हो
हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके पार्टिकल्स क्या हो गए, थोड़े थोड़े सर्टेन गैप पे अरेंज हो जाएंगे। तो इसका कहने का सेंस ये हुआ कि यहाँ पिस्टन्स के प्रेशर के कारण क्या हो गया, ये आपका जो गैस था, गैस का पार्टिकल्स, वो कैची में कन्वर्ट हो गया, आपका लिक्विड में, कैची में कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे सिलेंडर के अंदर जो गैस होते हैं या जिसको हम एलपीजी बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या किए जाते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही है? और उसी तरीके से अगर हम एक चीज़ आपको ये भी समझाना चाहें कि आपका ये जो केस है, क्या बोलते हैं वो, ये ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल्स में होते हैं, तो उसका भी ये एक रीज़न है कि आपका सीएनजी जिसको बोलते हैं वो भी कंप्रेस्ड होता है, नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है। और वहाँ पे कंप्रेस करने के लिए मैंने एक चीज़ बताया, केस क्या चीज़ होना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होना है कि प्रेशर ज़्यादा हो और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। तो इससे हमारे कंक्लूज़न निकल गया, अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्टेट ऑफ मैटर में हम चेंजेस किस तरीके से लाएंगे प्रेशर के वजह से, तो प्रेशर में तभी, गैस में तभी कोई चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट होगा जब उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे वो हाई होना चाहिए, या प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं तो उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसका टेम्परेचर को हम हमेशा लो करके चले। अगर टेम्परेचर हम लो नहीं करके चलेंगे तो क्या होगा, ये ऐसा कंडीशन भी आएगा कि वो चीज़ें ब्लास्ट हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व किए गए हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ एक एग्जांपल भी बता दूँ कि जैसे अगर हम अमोनिया एक कंपाउंड है, उसी का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अमोनिया एक कंपाउंड है, उसी उस पेज में इस जगह है कहीं पे, तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट क्लास में। चलो अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया गैस जो होता है ना, इसको लिक्विफाइड किया जाता है, इसको भी लिक्विड में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हाई प्रेशर, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल आप सुने होंगे या पता नहीं, नहीं सुने होंगे, एक को सॉलिड आइस बोलते हैं, जिसको ड्राई आइस बोलते हैं, नाम सुने कभी ड्राई आइस? देखिए अब ये ड्राई आइस क्या होता है, आप कोई कॉन्सर्ट पे देखते होंगे जहाँ पे एक्ट्रेस या सिंगर लोग क्या करते हैं, एक्टर लोग गाना गाते हैं, तो स्टेज पे देखिएगा धुआं धुआं जैसा हमें देखने को मिलता है, वो एक्चुअली क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसको क्या किया जाता है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, हम ये कह सकते हैं उसको प्रेशर, हाई प्रेशर पे, ठीक है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है गैस में, कैसे में, गैस में। और इस तरीके से वो धुएं के रूप में वहाँ पे दिखाई देता है स्टेज के ऊपर, वो एक्चुअली क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब आते हैं ये चीज़ पे, एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अब ये जो स्टेट ऑफ मैटर जो जो चेंज हो रहा है, मैटर का जो स्टेट चेंज हो रहा है, इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू मैं एक एक्चुअली चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, वो आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है। सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्यूज़न, क्या बोलेंगे उसको, फ्यूज़न, ठीक है। जब कोई सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूज़न, और जब लिक्विड से वापस सॉलिड में आ रहा है तो सॉलिडिफिकेशन। देखो लिक्विड से सॉलिड में गया तो सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। अब लिक्विड से अगर ये गैस में गया तो इवापोरेशन, बचपन में हम लोग ये ऑपरेशन बहुत पढ़े हैं। अगर गैस से कोई चीज़ लिक्विड में जा रहा है वो क्या होगा आपका, कंडेंसेशन, क्या होगा आपका, कंडेंसेशन। अब डायरेक्टली सॉलिड से गैस, मतलब बीच में कोई मीडियम नहीं, लिक्विड का जरूरत नहीं, डायरेक्टली सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड में गया, तो ये चीज़ क्या कहलाएगा आपका, सब्लिमेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका, सब्लिमेशन। अब इसी चीज़ को ये डिफाइन करके मैं लिखा है यहाँ पे, देखो फ्यूज़न क्या है, फ्यूज़न मतलब होता है मिलना। तो जब क्या होता है, सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, वैसा फेनोमेनन जिसके जरिए एक सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़न, मेल्टिंग ऑफ आइस जो होता है उसमें फ्यूज़न का प्रोसेस होता है, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन कहने का मतलब, इसमें मैंने बताया सॉलिड में कन्वर्ट होगा, यानी कि चेंज ऑफ लिक्विड इंटू सॉलिड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। एग्जाम्पल आप दे सकते हो आइस को वाटर, ठीक है, आइस टू वाटर। अब देखो ये सॉलिड में हो रहा है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिखा, तो वाटर जो होता है वो आपका, उसको फ्रीज करके हम फिर से क्या, आइस बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड एक, देखिएगा वाटर एक लिक्विड है और ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, आइस हो गया, आइस बन गया, ठीक है, क्या बन गया, ये आइस बन गया। तो यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हुआ। कंडेंसेशन, कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल या फ्रिज से निकाला हुआ बोतल या ग्लास में अगर हम पानी डालते हैं तो देखिएगा उसके सरफेस पे वेपर्स बनने शुरू होते हैं, भाप जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या, वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपका किस चीज़ में, आपका लिक्विड में, किस से लिक्विड, मतलब गैस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, गैस टू लिक्विड। तो ये आपका कंडेंसेशन होता है। ये देखो कैसे होता है, द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ गैस इंटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये तो डेफिनेशन से पता चल गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सर्फेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग, एक ग्लास है ये, ठीक है,
और इसके सरफेस पे यहाँ पे एक ना वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की कुछ बूंदे ऐसे इस तरीके से दिख रही हैं, ठंडा पानी होगा तो इसके वजह से वो बूंदे दिख रही हैं। तो ये क्या करता है कि यह हमारा जो वाटर वेपर एटमोसफेयर में जो मौजूद होते हैं, जैसे ही वो ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं, कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में, तो क्या करता है वो जो वाटर होता है एनर्जी लॉस करता है, एनर्जी लॉस करता है और वो कंडेंस करके क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। क्या कन बन जाता है, लिक्विड। ठीक है, वो कंडेंस करके लिक्विड बन जाता है। इससे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई गैस कैसे में कन्वर्ट हो रहा है आपका, लिक्विड में। ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो एटमोस्फेरिक गैसेस के प्रेजेंस में आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है अपना एनर्जी लॉस करता है और लॉस करके वो क्या बना जाता है आपका, लिक्विड बना देता है। दिस इज सीन एज वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सर्फेस ऑफ ग्लास, जो कि आपको मैंने भी बताया है। ठीक है, टर्बुलेंस मैं भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ये लिक्विड से सॉलिड में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ सब्लिमेशन का मतलब द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस और कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली टू लिक्विड। यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑफ गैस डायरेक्टली टू सॉलिड होगा, यहाँ पे गलत टाइप हो गया, वही सोचे। ठीक है, द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस और क्या बोलते हैं, गैस डायरेक्टली टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इन टू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए। जैसे कि अगर बोलता है ना कि अगर एक स्टेज क्वालिफाई करना है तो दूसरे से पार होकर के तीसरे में जाना होगा, तो यहाँ पे ही अगर हम बात करें, ये सेकंड में जाने की ज़रूरत नहीं है, वन से डायरेक्ट थर्ड और थर्ड से डायरेक्ट वन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ सॉलिड से डायरेक्ट ये गैस में जा रहा है और गैस से डायरेक्ट ये आपका सॉलिड में जा रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर आपको पूछना चाहे या समझाना चाहे तो कैम्फर, ये जिसको हम लोग बोलते हैं कपूर हिंदी में, जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं, जब उसको हम जलाते हैं वो होता है एक सॉलिड, क्या होता है सॉलिड, जब उसको हम जलाते हैं तो वो आपका कैची में कन्वर्ट हो जाता है, आपका वो कन्वर्ट हो जाता है आपका जा करके गैस में, कैची में गैस में। उसी तरीके से अगर हम अगर कुछ और नेपथेलिन बॉल, देखिएगा घर में कपड़ा वगैरह में कीड़ा ना लगे उसके लिए एक वाइट कलर का बॉल रखा जाता है, जिसको हम लोग नेपथेलिन बॉल बोलते हैं। तो ये भी देखिएगा, ये अपने आप ही क्या होते हैं ना, वो सॉलिड से वो गैस बन करके निकल जाते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके क्या, सब्लिमेशन का, किस चीज़ का, सब्लिमेशन का। समझ में आ रहा होगा मेरा बात। इसमें आपका सब्लिमेशन में और भी कुछ कंपाउंड होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स अगर चाहोगे तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, आयोडीन साल्ट आप जिसको बोल सकते हैं, कैम्फर तो मैंने वहाँ मेंशन करके रखा है, नेपथलीन का नाम नहीं शायद दिखा है इसमें, नेपथलीन लिख दे रहा हूँ, नेपथलीन बोल। ठीक है, तो ये सब होते हैं, ये सब को डायरेक्टली क्या होता है आपका, चेंज हो जाते हैं किस चीज़ में, गैस में। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं, तो ये सब का सब्लिमेशन हुआ। अब हम अगर समझना चाहें तो इवापोरेशन लास्ट टर्म, और सबको ये चीज़ पता है इवापोरेशन क्या है। ठीक है, ये इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई लिक्विड क्या होता है, चेंज करता है आपका वेपर में, क्या चीज़ करता है वेपर में, मतलब लिक्विड कन्वर्ट। जैसे कि अगर हम बात करें कि वाटर साइकिल में, आप हम बचपन में पढ़े थे, तो पानी जो होता है पॉन्ड में या कहीं पे, वो क्या करता है इवापोरेट करके वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो वैसा प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, आपका वेपर में। ठीक है, और किसी भी टेम्परेचर पे अपने मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवापोरेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन उसको कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज़ समझो कि जैसे हमारे जो गीले कपड़े होते हैं जो छत पे डाल दिए जाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, तो देखिएगा वो कुछ समय बाद सूख जाते हैं। जनरली जो वाटर होता है ना लिक्विड, उसमें वो क्या करता है इवापरेट करते हैं, क्या करते हैं इवापरेट, और इवापरेट करके वो वेपर बन जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा क्लॉथ क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। ठीक है, क्लॉथ हमारा ड्राई हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं इवापरेशन को। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो ये वाला पॉइंट आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको मैं इलाबरेट भी कर दूंगा। तो एक फैक्टर आता है आपका टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर आता है आपका, अरे एक फैक्टर आता है आपका टेम्परेचर, अरे कहाँ गया है, एक हो गया आपका टेम्परेचर, दूसरा हो गया सरफेस एरिया, तीसरा ह्यूमिडिटी, और फोर्थ विंड स्पीड। जब भी टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है, टेम्परेचर राइज करेगा, तो याद रखिएगा जब टेम्परेचर हमारा जब बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इससे एक चेंजेस क्या होगा, क्या लिक्विड का टेम्परेचर वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि अगर हम बात करें कि इवापोरेशन, अगर हम बात करें इवापोरेशन इंक्रीज करेगा कब, जब क्या होगा लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं इवापोरेशन जब इंक्रीज होगा तो लिक्विड का जो टेम्परेचर होगा वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाई हीटिंग इट।
जैसे ही उसको हीट करेंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा आपका लिक्विड का, वो भी बढ़ जाएगा। तो ये फैक्टर्स है जो कि उसको अफेक्ट करता है इवापोरेशन को। तो आप इवापोरेशन, आप ये फैक्टर्स जब लिखने की बात आएगी तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स इलाबरेट करने होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ आप इस तरीके से लिख सकते हो, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस ऑन, क्या बढ़ाने पे, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। मतलब लिक्विड का टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा कि इवापोरेशन का भी रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेम केस आपका सरफेस एरिया में, जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, इवापोरेशन का प्रोसेस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका भी आप वही लिखोगे, द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी मतलब द मॉइस्चर जो कि एटमोसफेयर में इंक्लूड होते हैं, ठीक है, या मौजूद होते हैं। तो ये क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो इवेपरेशन कमेगा, क्या होगा, कमेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ समझना होगा क्या चीज़, कि ह्यूमिडिटी जब क्या होगा कि ह्यूमिडिटी आपका हाई होगा तो इवेपरेशन कम होगा, और अगर ह्यूमिडिटी अगर लो होगा तो इवेपरेशन हमारा ज़्यादा होगा, क्या होगा, ज़्यादा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, व्हेन द ह्यूमिडिटी इज, ये ऐसे लिखो, व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, हाँ ऑफ एयर इज लो देन द रेट ऑफ इवापोरेशन इज हाई, ठीक है। और कुछ ऐड नहीं करना है, चलो सही है इतना काफ़ी, ठीक है। अब विंड स्पीड एक आपका लास्ट रह गया, वो मैं कहाँ लिख दूँ, तो ये आपका हवा के कारण, जानते हैं कोई भी चीज़ सूखता है, तो इसमें यहीं पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एकदम सेम चीज़ है, द रेट ऑफ इवापोरेशन, स्टार्टिंग का तो लाइन सेम ही है, ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विथ द इंक्रीजिंग विंड स्पीड। जब विंड स्पीड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इवापोरेशन बढ़ेगा। तो इवापोरेशन आपका हर केस में बढ़ रहा है चारों फैक्टर में, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि अगर ह्यूमिडिटी जो होना चाहिए कम, बाकी सारा इंक्रीज रहेगा, तभी क्या होगा, इवापोरेशन बढ़ेगा। अगर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहेगा तो इवापोरेशन क्या होगा, स्लो होगा। तो उसके लिए ह्यूमिडिटी हमेशा स्लो रिड्यूस होना पड़ेगा, समझ में आ रही मेरी बात। इवापोरेशन कॉजिंग कूलनेस, ये लास्ट टॉपिक है आपका, और बहुत इजी सा टॉपिक है कि इवापोरेशन के वजह से वो कूलिंग कैसे काउज करता है, ठीक है, ये कूलिंग कैसे काउज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक चीज़ को ध्यान से समझे कि ये फैक्ट किस चीज़ पे बसा हुआ है, किस चीज़ पे ये आखिर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो डिपेंड कर रहा, देखिएगा यहाँ पे चीज़ लिखा, द फेनोमिनन ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। सबको पता है इवापोरेशन तभी होगा जब उसको हीट मिलेगा, तभी तो क्या होगा ना, लिक्विड क्या करेगा, इवापोरेट करके चेंज होगा आपका वेपर में। तो इस फेनोमिनन के दौरान क्या होता है, द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिकवर द एनर्जी गोन स्ट्रेट ड्यूरिंग इवापोरेशन, ठीक है। तो क्या, जब ये फेनोमिनन होता है, ठीक है, जब ये फेनोमिनन होता है तो लिक्विड जो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है अपने सराउंडिंग से, ताकि वो एनर्जी को रिकवर कर सके, ताकि वो इवापरेट कर सके उस चीज़ को, क्या चीज़ में, वेपर में, क्या चीज़ में, वेपर में। और जैसे ही एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है सराउंडिंग से, ठीक है, तो ये सराउंडिंग को क्या बनाता है, कूल बना देता है, क्या बना देता है, कूल मतलब ठंडा कर देता है। क्योंकि जैसे ही आपका ये वहाँ पे ये इवापरेट हुआ, ठीक है, इवापरेट हुआ, तो वहाँ का टेम्परेचर को क्या कर देता है कि एनर्जी, जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, जब आप ही एक सिंपली सा बात बताते हैं, अगर हमें कहीं पे गर्मी लग रहा है, ठीक है, वहीं का अगर टेम्परेचर में अचानक से अगर देखिएगा
कि वो रेन होने लगे, तो पहले धूप था, तो धूप क्या करेगा, वो वाटर को आप जहाँ पे हैं उसके कोस्टल एरियाज़ के आसपास, तो उसका पानी को वो एब्जॉर्ब करेगा, मतलब कि लेगा, तो वो इवापरेट कर लेगा, ठीक है, वो पानी को वेपर में कन्वर्ट करेगा, और वेपर में कन्वर्ट करेगा तभी तो आपका क्या बनेगा, क्लाउड्स बनाएगा, क्लाउड्स बना करके वो रेन के रूप में वापस आएगा। तो ये सिंपली सी बात है, अगर हम एक चीज़ आपको ये समझे, एक चीज़ आपको ये समझाते हैं कि अगर हम लोग एसीटोन, ठीक है, अगर हम अपने हाथ पे अगर हम कुछ एसीटोन को लेते हैं, ठीक है, कुछ एसीटोन को लेते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ एसीटोन को अगर हम लेते हैं, तो अगर आप, तो उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा, ये आप कितने को समझ में आ रहा होगा कि सर ये एसीटोन है क्या। तो एसीटोन ए बाबू एक आपका होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कलरलेस होता है और वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल कहने का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कलरलेस होता है और वोलाटाइल, वोलाटाइल जिसको उड़नशील बोलते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, उड़ जाता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है हाथ से। तो देखिएगा, ड्यू टू दिस फैक्ट, व्हेन यू, यू की जगह हम लोग वी कर देते हैं, व्हेन वी पोर सम एसीटोन्स ऑन आवर पाम, ठीक है, वी फील कूल बिकॉज द एसीटोन इवापरेट्स बाय एब्जॉर्बिंग द हीट एनर्जी फ्रॉम द आवर पाम, लिविंग द आवर पाम फील कूल। जैसे आप देखिएगा, जो थिनर होते हैं केमिकल्स जो होते हैं, ठीक है, जो केमिकल्स जो होते हैं, या हम बात करते हैं जो नेल रिमूवर जो होते हैं या इंजेक्शन देने से, देखिएगा हमें कूल महसूस होता है, तो वो इट इज़ अ टाइप ऑफ एसीटोन, वो एक तरह का एसीटोन होता है, ठीक है, ये स्पिरिट आप जिसको कहते हैं, जो हाथ पे लेते हैं ना, जैसे इंजेक्शन देते समय, या देखते हैं ना कि नेल रिमूवर जो होता है जो गर्ल्स लोग यूज़ करती हैं, ठीक है, तो ठंडा क्यों महसूस होता है, जनरली ये होता है क्या है, ये आपका एक तरह का एसीटोन होता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे ही हाथ पे आता है ना, तो क्या करता है, वहाँ का हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और जिसकी वजह से हमें क्या, एब्जॉर्ब होने की वजह से हमें हाथ में ठंडा महसूस होता है, ठीक है। ये था बाबू आपका चैप्टर। अब एक बच्चे को उसमें डाउट था कि जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो उसमें उनको प्लाज्मा समझ में नहीं आया था और एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वो समझ में नहीं आया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लाज्मा के बारे में कुछ समझा दूँ, प्लाज्मा के बारे में, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे मैं कुछ समझा चीज़ समझा देता हूँ, उसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो पहली बात, अगर हम प्लाज्मा की समझना चाहें, तो प्लाज्मा है क्या, प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, सबको पता है, और ये इट इज़ अ मिक्सचर है, ये एक मिक्सचर, प्लाज्मा इज ए मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन्स, आयन्स समझते हैं, चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं। तो प्लाज्मा एक मिक्सचर है किस चीज़ का, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन्स का क्या है, ये आपका मिक्सचर है। उसके बाद अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें, तो आपको ये भी बताया कि इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में रखा गया है, और प्लाज्मा अगर हम चाहें तो आप ये भी आप पॉइंट लिख लो, इट इंक्लूड्स या इट कम्स अंडर, इस तरीके से लिख लो, इट कम्स अंडर दी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। अब ये होते कहाँ है, मौजूद कहाँ पे होते थे जनरली, तो इट अकर्स ये भी पता होना चाहिए, कुछ मेन पॉइंट्स है, इट ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जनरली हम बात करें तो ये नेचुरली स्टार्स में, नेचुरली इन स्टार्स, अब स्टार्स में हम पता है कि हमारा सन भी जो आता है स्टार्स में आ जाता है, ठीक है, तो आपको वो लिखने की मैं वो नहीं लिखता हूँ, बस इतना से ही आप समझ जाओ, इट अकर्स ओनली नेचुरली इन स्टार्स, जिसमें हमारा सन भी आता है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं समझाता हूँ, समझने वाली चीज़ क्या है, कि स्टार्स के अंदर जो होते हैं ना, वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है, अब टेम्परेचर हाई रहने के कारण उनमें जो एटम्स होते हैं वो टूट जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं, ठीक है, एटम जो होता है टूट जाता है, और उसके कारण जो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, या उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होकर के क्या होते हैं, घूमने लगते हैं, ठीक है, घूमने लगते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वर्ट कर जाते हैं आपका इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयन्स, ठीक है, और इसी मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। जैसे कि हम बताएं कि तारा के अंदर, स्टार के अंदर, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, पहला पॉइंट, जिसके वजह से उसके एटम्स ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। अब उसका जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो क्या करता है, ब्रेक अवे होता है, वो एटम से टूटता है, क्या होता है, ब्रेक अवे हो जाता है, मतलब कि टूटता है और कन्वर्ट होने लगता है धीरे धीरे, बाकी जो रेस्ट एटम होता है, जो कुछ टूटा और कुछ जो बचा हुआ है, तो रेस्ट का आपका कन्वर्ट होने लगता है किस चीज़ में, आपका इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स में, तो कुछ तो आपका टूटा जो हो गया आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है,
और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो आपका कन्वर्ट हो गया रेस्ट कैच, बाकी जो एटम्स थे वो आपका कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में, आयंस में, किस चीज़ में, आयंस में। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, हमारा प्लाज्मा। क्या बनाता है ये? प्लाज्मा बनाता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा के बारे में हम जाने। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि आपसे कोई पूछेगा कि प्लाज्मा को क्या अर्थ पे भी हम जनरेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल, अब जैसे बोलिए सर आप तो स्टार्स के बारे में बता रहे थे, तो अर्थ पे जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जो बल्ब है, ठीक है, जो हमारा बल्ब CFL बल्ब हो गया, ये सब जो बल्ब है, तो उसमें गैसेज जो होते हैं जो जनरली है, वो प्लाज्मा से ही मिलकर बने होते हैं। अब कैसे, वो आपको समझाता हूँ। प्लाज्मा को हम लोग अर्थ पे बना सकते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे कुछ गैस से, ठीक है, किसी कुछ गैस जैसे लाइक वो इनर्ट गैस होना चाहिए। इनर्ट मतलब समझते हैं जो नोबल गैस है आपका, ज़ेनॉन, नियॉन, आर्गन, ये सब, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का लास्ट वाला एकदम, उसको इनर्ट गैस बोलते हैं। तो अब कुछ जो इनर्ट गैस होते हैं उस गैस से अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, ध्यान रखें कि वहाँ का प्रेशर क्या होना चाहिए, कम, क्या होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए, ठीक है, प्रेशर लो। जब हम गैस को पास करवाएंगे तो प्रेशर वहाँ का कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रेशर कम। अब जैसे ही प्रेशर जब कम होगा, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको हम टेस्ट ट्यूब के अंदर या हम बोल सकते हैं ग्लास के अंदर क्या करेंगे, डाल देंगे, जिसके वजह से क्या होगा कि वहाँ पे ये प्लाज्मा आपका क्या होगा, ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। क्योंकि वहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम प्रेशर कम करके किसी गैस को में इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास कराएंगे, तो इससे क्या होगा कि वो उसमें क्या होगा, लाइट आपका क्या होगा, ग्लो करेगा, क्या करेगा, ग्लो करेगा, या जो हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होता है, जो CFL या जो ट्यूबलाइट होता है घर में, ठीक है, तो वो सब इंडिकेट है वो किस चीज़ का, वो आपका प्लाज्मा से ही फॉर्म करते हैं। किस चीज़ से? प्लाज्मा से, मतलब वो प्लाज्मा से ही आपका वो बनते हैं, जैसे उनको स्विच ऑन किया जाता है, ठीक है, तो वो प्लाज्मा फॉर्म करते हैं जिसकी वजह से हमें लाइटनिंग देखने को मिलता है, ठीक है। एक फिर आप जैसे अगर हम बात करें कि CFL की बात करें, तो CFL में हीलियम गैस होता है या कुछ अलग गैस होगा या नियॉन गैस होता है, तो सब गैस को जब इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास होता है ना उस ट्यूब से, तो उसके अंदर जो गैस मौजूद होते हैं, वो सब के अंदर, ट्यूब के अंदर, वो गैस क्या करता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइज्ड करने का मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, और वो क्या बनाता है आपका, प्लाज्मा बनाता है। क्या बनाता है आपका? प्लाज्मा, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। अगर इसमें भी दिक्कत है तो एक बार वीडियो को दोबारा सुनिएगा। आज मैं आपको थोड़ा इस प्लाज्मा को डिटेल कर दे कि प्लाज्मा है क्या, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अपना लास्ट बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, और ये किसके जरिए दिया गया था, यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये दिया गया था आपका सत्येंद्र नाथ बोस और एक अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, ये आपका डिस्कवर किया फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। और ये कब हुआ था, इन द ईयर 1920, कब हुआ था ये, 1920 के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों ने मिलकर कुछ इसको डिस्कवर किया, और इसको शॉर्ट फॉर्म में नाम रखा गया BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये देखिएगा, ये आपका प्लाज्मा का बिल्कुल अपोजिट है, प्लाज्मा का बिल्कुल अपोजिट है फिजिकली रूप में, मतलब अगर फिजिकल रूप की बात करें तो आपका बहुत चेंज है, क्योंकि आपका देखिएगा ये आपका ये गैस था, और गैस को क्या कर रहे थे हम, कम प्रेशर पे उसको कन्वर्ट इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसको हम कन्वर्ट कर दिए थे प्लाज्मा में। लेकिन ये वो होता है, बहुत रिजिड होता है, रिजिड मतलब समझते हैं कठोर, इट इज़ वेरी रिजिड नियर एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है आपका, ये केल्विन की बात कर रहा है, ठीक है। केल्विन जो होता है वहाँ पे 273.16 डिग्री सेल्सियस, या उसको आप जीरो डिग्री, देखो केल्विन यहाँ पे मेंशन है, जीरो केल्विन मेंशन है, उसको हम सेल्सियस में कहते हैं 273.16 डिग्री सेल्सियस। तो इस पे क्या होता है कि कुछ जो मोशन होता है पार्टिकल्स का या मॉलिक्यूल्स का, वो स्टॉप कर जाता है एक सर्टेन, मतलब जीरो केल्विन पे पार्टिकल्स का मोशन क्या होता है, स्टॉप कर जाता है, ठीक है। अब जहाँ पे पार्टिकल का मोशन स्टॉप करेगा, तो एक ऐसा स्टेट आएगा जहाँ पे उसका एनर्जी स्टेट, वो भी क्या मतलब एनर्जी लेवल जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, लोएस्ट आ जाएगा, क्योंकि मोशन उसका स्टॉप हो रहा है, तो एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, वो भी आपका नीचे आ जाएगा। और ये स्टेट तब ऑब्टेंड होता है बाबू, जब इसको बहुत ज़्यादा कूल करते हैं, मतलब ये जो गैस होता है इसको एक्सट्रीम कूल करते हैं। कूल करने का मतलब क्या, इसको 1000th
1000 मतलब 1/1000 पार्ट का टेम्परेचर से अगर हम नीचे क्या करते हैं इसको, ये क्या बोलते हैं इसको, वो कंडेंस करना, क्या करना, कंडेंस करना, तो इसको उतने ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा करते, इतना ज़्यादा टेम्परेचर कम करके 1/1000 डेंसिटी ऑफ टेम्परेचर, हम बोल सकते हैं नॉर्मल एयर का जो डेंसिटी का टेम्परेचर को कम करके इसको कन्वर्ट करते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट करने का मतलब ये आपका कैसे में होता है, आपका ये कंडेंस करके होता है, ये कंडेंस मतलब समझते हैं, जैसे अभी हम कंडेंसेशन के बारे में अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो गैस को कन्वर्ट करते किससे में, आप कह सकते हो कि इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दे रहे, ठीक है। तो ये आपका 5th स्टेट ऑफ मैटर है, आप इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, ये दो दोनों चीज़ से आपका क्वेश्चन एकदम रेयर ना के बराबर होगा, और खास करके प्लाज्मा से में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और इस बस इससे याद रखिएगा कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो आपका वो सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन 1920, और ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है। अब इसमें अगर पूछेगा कि ये चीज़ है कि, अगर मान लीजिए पूछ भी दे, तो यहाँ पे बोलना है कि इसमें क्या होता है कि इस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी कि 0 डिग्री केल्विन पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका मोशन रुक जाता है, ठीक है। और इस स्टेट को ऐसे लाया जाता है, इस स्टेट को लाने का रीज़न है कि गैस को बहुत लो टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, मतलब सॉरी फ्रीज किया जाता है, या हम बोल सकते हैं कंडेंस किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। आज का ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, चैप्टर 1 केमिस्ट्री का। अगर किसी को अभी भी कुछ डाउट्स रह जाता है कहीं पे, तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट को मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। और हम होमवर्क आप लोग टाइम टू टाइम में सबमिट कीजिए, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जब तक होमवर्क अभी तक सबमिट करते हैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद, ठीक है, तो वो चीज़ ठीक नहीं है, रेगुलर सबमिट करते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।